नमस्कार दोस्तों, कृष्णाजयस में आपका स्वागत है। और आज हमें स्पेशली बात करेंगे बीपीएससी 67th की। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 67th जो एग्ज़ाम है उसका प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम जनवरी में अब होने वाली है, और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम जो है 2022 में तो होगा ही, तो वो मार्च अप्रैल में भी हो सकती है, जब कभी भी हो। उसके मतलब कब होगा इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे कि अगर जो लोग 67th एग्ज़ाम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी विषय को ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो एंथ्रोपोलॉजी विषय में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, राइट? या क्या एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अगर बेहतर तरीके से लिखते हैं, राइट, अगर अब बहुत अच्छा आपके पास से उसके मटेरियल्स है और बहुत अच्छा कमांड है और आंसर राइटिंग के दौरान डेफिनेशन सही तरीके से आप दे रहे हैं, आप सही तरीके से एप्रोप्रिएट जो है डायग्राम का निर्माण कर रहे हैं या चार्ट का निर्माण कर रहे हैं और फिर उसके प्रत्येक एंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें मार्क्स मिलती ही मिलती है। अब बीपीएससी में एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि जो नया ट्रेंड जो 63 से ये लगातार वो ट्रेंड दिखाई दे रही है कि पहले जो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते थे वो ट्रेडिशनली तैयारी करते थे कि कोई भी एंथ्रोपोलॉजी की एक बुक से ले करके एक दो बुक वो पढ़ लेते थे, क्वालिफाई भी कर जाते थे। लेकिन अब ट्रेंड में परिवर्तन हुआ है, राइट? और ट्रेंड में परिवर्तन से कुछ फायदे भी हुए हैं और थोड़ा सा उन लोगों को नुकसान हुआ है जो लोग स्तरीय तैयारी नहीं करते थे, यानी कि बीपीएससी की तैयारी मतलब कि कहीं से कुछ लेकर पढ़ लेते थे और उसके माध्यम से भी कई लोगों ने पास किया है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कई लोगों ने पास किया है, फाइनली क्वालिफाई किए हैं, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो ट्रेंड जो नया ट्रेंड आपको दिखाई दे रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव क्या है कि जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है बीपीएससी के, आप पे अगर एकदम नए हैं तो आप पे थोड़ा सा सिलेबस को अगर जा करके एनालिसिस करेंगे तो हमारा सिलेबस तीन भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं जो कंपलसरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, और उसमें जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में एकदम टू द पॉइंट मेंशन है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें और करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या तो रखिए या एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी रखिए, ये विकल्प है आपके पास। और उसमें जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं, राइट? और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी बहुत कम लोग रखते हैं। और मैं जो आपको क्लास प्रोवाइड करता हूँ, ये ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, उसमें बीपीएससी के लिए फिजिकल ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स एक तो अधिक आता है और मार्क्स का वैल्यू है। देखिए, आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जैसे स्टेट के सबसे मतलब बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट हमारा है मार्क्स। हम मेंस में मार्क्स प्राप्त करेंगे तभी जाके हम फाइनली क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम ही मुख्य एग्ज़ाम होता है, राइट? तो मार्क्स हमें चाहिए, इसलिए हम लोग फिजिकल की बात करते हैं। और फिर तीसरा जो सेक्शन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ये कंपलसरी है, सभी के लिए एक समान है। इसमें दूसरा जो सेक्शन है उसमें ए और बी है, उसमें से कोई एक चूज करना है तो हम लोग ए को चूज करते हैं और फिर उसके माध्यम से तैयारी करते हैं।
अब जो मैं कहना चाह रहा था कि 63 के बाद से कुछ नई प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं, राइट। उसके पहले भी कभी कभार क्वेश्चन कुछ उस तरह से पूछे गए थे। आमतौर पर एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है और ये आपके सिलेबस से टू द पॉइंट आता है, जो सिलेबस में मेंशन है वो टू द पॉइंट आता है। लेकिन 65वीं में भी मैंने मेरे पूर्व के यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा तो डिस्कस उस पर किया हुआ है। दो क्वेश्चन था आमतौर पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं क्या है यानी शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उसमें एक फुल क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स स्कोप, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है और उसके विषय वस्तु पर क्वेश्चन 65वीं में पूछा गया था। चलिए, ये तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेंशन है हमारे सिलेबस में, पूछ दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीपीएससी के 65वीं में एक क्वेश्चन जो पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, राइट। यानी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को आपको फॉर्मलिस्ट एंड सब्टेंटिविस्ट स्कूल के परिप्रेक्ष्य में आपको व्याख्या करनी थी। ये फॉर्मलिस्ट एंड सब्टेंटिविस्ट स्कूल का जो थॉट है, डिबेट ऑन फॉर्मलिस्ट एंड सब्टेंटिविस्ट स्कूल, ये यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है, राइट। बीपीएससी के सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन 65वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन को आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट आया क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, और ये लगातार एक दो क्वेश्चन में ट्रेंड ऐसा दिखाई दे रहा कि विषय वस्तु की आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें ट्रेंड जो आप देखेंगे, खास करके दूसरे सब्जेक्ट में भी ये दिखाई दे रही है कि जो 64वीं 65वीं का जो रिज़ल्ट आया है उसमें वो स्टूडेंट डोमिनेंट कर गए हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट। चूँकि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस को जो टीचर टीच कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनको हम लोग को पढ़ाने का अनुभव है, प्लस साथ ही साथ स्टेट पीसीएस जब बिहार निकलती है तो उसके बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं और करते हैं तैयारी मेरे गाइडेंस में। लेकिन मैं जो फ़र्क आ रहा है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब बीपीएससी में भी क्या हो रहा कि यूपीएससी ओरिएंटेड जो बच्चे हैं वो डोमिनेंट कर रहे हैं। सफलतम बच्चों में आप देखिएगा तो वैसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो यूपीएससी ओरिएंटेड हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचर उनका जो है यूपीएससी ओरिएंटेड है तो उनकी सफलता रेट ज़्यादा हो रही है। पहले हम लोग बात करते थे, आमतौर पर स्टूडेंट का भी ये सवाल होता था कि वैसे टीचर से पढ़ें जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, स्पेशलाइज तैयारी कराते हैं। अब ये ट्रेंड टूटा है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्टली बीपीएससी के सिलेबस में आपके पास नहीं है और जो बीपीएससी की केवल तैयारी करते हैं वो उस पर मतलब जाकर काम नहीं कर पाते हैं इवन, तो क्वालिटी का अंतर हो रहा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी का अंतर हो रहा, क्वालिटी जो नॉलेज का क्वालिटी है, मटेरियल की क्वालिटी में अंतर है और आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन में जो क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी में अंतर है, राइट। तो एक तो आप उन विषय वस्तु को आपको देखना चाहिए, खासकर एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में जहाँ तक हम बात करें, कि जो हमारा रिलेटेड है, मतलब अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो बीपीएससी का जो फर्स्ट टॉपिक है वन है आपका, ठीक है, तो इस सेक्शन वन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है ये है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये सिंपल है और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी
और ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 5 ब्रांच की चर्चा है। हमारे पास से सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में लिखा हुआ है उसमें, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ये 5 ब्रांचेज हैं। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में भी कुछ नई बातें हैं। कुछ नई बातें इस टॉपिक में इस रूप में है कि देखिए 66 में एक क्वेश्चन पूछा है ना, कि व्हाई इज एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड होलिस्टिक साइंस। एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक साइंस क्यों कहा जाता है, यानी मानव विज्ञान को एक संपूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है। डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विथ लाइफ साइंस, इसके संबंधों का, इसका जीव विज्ञान के साथ कैसा संबंध है उसकी चर्चा आप करें, यानी जीव विज्ञान से इसके संबंध की चर्चा करें। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंसेस होता है, कि जो बिहार लोक सेवा की तैयारी करते हैं बच्चे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है ना, मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, और उसके बाद ब्रांचेज पढ़ते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी वाली सिलेबस देखिएगा तो ये टॉपिक तो फर्स्ट में है यूपीएससी के सिलेबस में, और सेकंड में दिया हुआ है रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन है ना, यानी मानव विज्ञान का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या संबंध है, जिसमें सोशल साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, और अर्थ साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, ये दिया हुआ है, राइट। बीपीएससी में जब आप पढ़ने गए तो अगर केवल सिलेबस को आपने पढ़ा तो आप रिलेशनशिप नहीं पढ़े। इसके पहले भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो मैं बार बार छात्रों को ये बात बताते रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत न केवल आप एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ क्या है, उसका स्कोप क्या है, बल्कि एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में हो। चूँकि आप क्या करते हैं है ना, आपने क्या किया कि रिलेशनशिप जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार और पहले एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि व्हाट डू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी एंड व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में इसका क्या महत्व है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन कहीं मिल जाएगा आपको, मैंने किया है। तो देखिए इम्पॉर्टेंस को अगर एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन का इम्पॉर्टेंस अदर सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको रिलेशनशिप पढ़ना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इवन की बीपीएससी के जो क्लासेज हैं उस बीपीएससी के क्लासेज में भी रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं है ना, रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब इस बार 66 में पूछ दिया, डायरेक्ट लाइफ साइंस के साथ आपका संबंध पूछ दिया, और जिन लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में अगर आप पे, और वो भी फर्स्ट क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगर इसमें आप लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रेस से बाहर हैं, राइट। और एक और क्वेश्चन पूछा है, शॉर्ट नोट्स में पूछा है रिलेशनशिप से, कि रिलेशनशिप विथ जियोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो वहाँ भी एक आपको 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, और आप भी तैयारी क्या कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट हमारे पास है, विषय वस्तु जो दिया हुआ है उसी विषय वस्तु की हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगी। चूँकि हम लोग यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ा ही रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि जिस समय यूपीएससी के बच्चे होते हैं और बीपीएससी के बच्चे हैं तो कॉमन टॉपिक साथ साथ कर लेते हैं, तो पहला जो
चीज़ है कि एंथ्रोपोलॉजी जो ये टॉपिक आप पढ़ने चाहिए खास करके, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? बिकॉज विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक वी कांट अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी, राइट? तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग, या व्हाट डू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, अगर हम इसको पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें जो है ध्यान देना है कि ये दो टॉपिक के साथ साथ हमें नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ना है ना, कि एंथ्रोपोलॉजी की प्रकृति क्या है, मानव विज्ञान की प्रकृति, ये सिलेबस में नहीं दिया होगा आपका। फिर हमें क्या पढ़ना है, रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये भी नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, दिस इज नॉट मेंशन डायरेक्टली इन बीपीएससी सिलेबस, बट दिस इज मेंशन इन यूपीएससी सिलेबस, राइट? तो इसके रिलेवेंस को आपको पढ़ना है, और फिर आप पे मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना, और यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक टॉपिक आप तैयार कीजिएगा। आज मैं इसी पर विशेष रूप से बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन पूछा गया, और इसी टॉपिक के अंतर्गत अगर ब्रांचेज को भी आप पढ़ते हैं, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट, तो हमारे सिलेबस में 5 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस दिए हुए हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बिहार में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो अधिकांश लोग केवल शॉर्ट नोट्स की तैयारी करते हैं इस पर, राइट, ब्रांचेज वाले पर। और हाल के दिनों में अब बीपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है कि स्कोप ऑफ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, रिलेवेंस, जब स्कोप को लिखेंगे तो रिलेवेंस भी लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी का नेचर, चूंकि ये अप्लाइड साइंस है, राइट, तो अप्लाइड साइंस है, इसलिए किसी भी ब्रांचेज को आप पढ़ने जाएंगे तो उसकी एप्लीकेशन को भी बताना पड़ेगा। तो ब्रांचेज को भी अब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? जब ब्रांचेज के सब ब्रांचेज जो कि मेंशन है हमारे सिलेबस में, जैसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, है ना, जैसा कि मैंने 65 के क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा किया कि 65 में प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें सब्टेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग उसके स्कोप को बताना था। ये आमतौर पर बीपीएससी के जो सिलेबस है उसमें तो मेंशन नहीं है, तो वो बच्चे जिनको अगर बीपीएससी के टीचर से ही गाइडेंस ले रहे हैं तो वो भी चूँकि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट सोचता है, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जबकि हम लोग के जो स्टूडेंट होते हैं, चूँकि चर्चा जब करेंगे तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जब हम पढ़ने जाते हैं, एंड इफ ए वी हैव नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्टेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, देन वी कांट केपेबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इन राइट परस्पेक्टिव, राइट? तो हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए जो स्टूडेंट है, जो खास करके जिनको थोड़ी सी स्तरीय गाइडेंस मिलती है, उनको 5-10 नंबर बढ़ जाती है और पास कर जा रहा है, राइट? तो एक तो आपको चीज़ों को सही तरीके में समझना है, उसमें क्या अप टू डेट हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही है, तो उसको भी आपको समझनी है, राइट? ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आपको नहीं दिया हुआ,
ठीक है, एक टॉपिक केवल आपके इसमें दिया हुआ है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, फील्ड वर्क ट्रेडिशन है ना। अब फील्ड वर्क ट्रेडिशन पर भी एक दो बार स्तरीय क्वेश्चन पूछा है, राइट। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस, है ना, समग्र विज्ञान है, या हम एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक साइंस क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी एज ए होलिस्टिक साइंस, राइट। ये क्वेश्चन कहाँ से है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो मेथड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का मेथडोलॉजी क्या है, वहाँ से क्वेश्चन है। जैसे आप देखिएगा 66 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट में से ये पहला जो पार्ट है वो है कि व्हाई वी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी एज होलिस्टिक साइंस, हम एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक साइंस क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है होलिस्टिक साइंस, राइट। अब आमतौर पर स्टूडेंट एक लाइन तो जानता है, ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है, राइट। लेकिन इससे भाग पर क्वेश्चन जो है को अगर डिवाइड करेंगे, चूँकि दो क्वेश्चन हैं, तो 25 मार्क्स आपको इसमें आ रहा। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक टेल किया था कि रिलेशनशिप पे बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंस, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स का तो ये हो गया टेल, और 25 मार्क्स का ये जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपको एक दो लाइन में आप जान रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक साइंस है, लेकिन अब तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लिया, पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, और एक दो बार तो मैंने गेस में भी ये बात बताया है कि ये क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक साइंस या यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक से है। तो बेसिक टॉपिक से है और उसमें आप एक दो लाइन पढ़े हुए हैं, तो आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे, राइट। अब देखो, आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक फॉर्मेट चाहिए कि हम लिखने जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस जब हम लिखने जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए जिसके माध्यम से हम इसको लिख सकें। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान ही रखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन का मैं डिस्कशन इस सेशन में करूँगा, और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ क्या है और आपको आगे नया क्या करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो 2-4 नंबर कम आते हैं, और अगर आप करते हैं तो फिर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब एक नई चीज़ हो गई है कोविड के दौरान खास करके, जो बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो डिजिटल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म डेवलप कर गया है, मैं खुद ही ऑनलाइन क्लास से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो गांव में हैं और जुड़े हुए हैं मुझसे, है ना, 67 के लिए कई लोग जुड़े हुए हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एकदम गांव में हैं, बहू हैं, वो भी क्लास कर रही है। तो उससे क्या है कि अब आपकी और हमारे बीच की दूरी जो है एकदम लगभग ख़त्म हो गई है, कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं और दिल्ली आकर जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो अब ये सिस्टम ये है कि एक तरह से आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि एक क्वेश्चन से ही आप समझिए कि क्या करना है, और आगे हम लोग फिर आगे के जो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इसके माध्यम से थोड़ा सा मैं ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आपको क्या करनी है, या आंसर जब राइटिंग आप करने जाते हैं तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है,
जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे, जब एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया जो हट के है, और अगर उसका आंसर आप नहीं लिखते हैं, है ना, ये आप लिखते हैं तो बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहती है। और इसलिए इसी का डिस्कशन आज के इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं। ये आपके लिए क्या है कि हम बात कर रहे थे कि क्या नया ट्रेंड आ रहा है, उसमें मैंने चर्चा किया आपसे कि ये जो टॉपिक है, खास करके ये क्वेश्चन जो है, ये मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, से रिलेटेड है और ये रिलेशनशिप से है, संबंध है ना, ये हम मानव विज्ञान का जीव विज्ञान से संबंध। और मैंने पहले भी कहा कि संबंध वाला जो टॉपिक है बीपीसी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, राइट। और इसलिए कई लोग ऐसा होता है कि वहाँ से क्वेश्चन उठाए, टॉपिक उठाए, और टॉपिक उठाने के बाद जो है उन्होंने सिलेबस को देखा, पढ़ना शुरू किया। अब पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे लगातार क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रेंड से हटकर है और आप उसकी आंसर को लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि ये जो पार्ट है कि मानव विज्ञान समग्र विज्ञान क्यों कहलाता है, राइट। आपको आंसर लिखना है इसके, राइट। एक चीज पहले भी मैं बार बार समझाते रहा हूं कि जब आंसर लिखने जाइए और उसमें ये एंथ्रोपोलॉजी मेंशन है, तो आप इंट्रोडक्शन जो इस पार्ट का लिखिएगा, राइट, इंट्रोडक्शन यानी जो आप परिचय दीजिएगा, अपने आंसर की शुरुआत कीजिएगा, तो शुरुआत में एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन कर दीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, राइट। लेकिन जो शुरुआत करनी है उसको ऐसी कनेक्ट कीजिए, ऐसी डिफिनीशन को चूज कीजिए जिस डिफिनीशन से होलिज्म जो है, राइट, समग्रता का जो कंसेप्ट है, समग्रता की जो संकल्पना है, वो उससे रिलेट करे, राइट। तो मेरे ख्याल से जब परिचय आप देने जाइएगा तो इस चीज़ को ध्यान में अपना रखना है। और जब ध्यान में रखिएगा तो आप सोचना शुरू कीजिए कि कौन से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिसने ये डिफाइन किया है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ ए होलिस्टिक साइंस। और अगर इसको आप शुरू कर लिए तो पहला इम्पॉर्टेंट जो आपका एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को आपने एकदम क्लियर कर लिया, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि किसी प्रश्न का आंसर जब लिखें तो परिचय दें, और परिचय देने के क्रम में अगर यहाँ पर आपको होलिस्टिक साइंस लिखा हुआ है उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो हमें ऐसी डिफिनीशन को चूज करना होता है जो उससे रिलेटेड है, राइट। तो उसके लिए एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि अमेरिका के मानव शास्त्री हैं जिनका नाम है क्लाइड कुलुखोन, है ना, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिरर फोर मैन।
और इसमें इन्होंने फर्स्ट डिफाइन किया कि एंथ्रोपोलॉजी इज ए मिरर फॉर मैन, मानव विज्ञान मानव का दर्पण है। और फिर उसको एक्सप्लेन जब ये करने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, समग्रता में मानव का अध्ययन करता है। तो पहला जो लाइन आप यहाँ पर लिखिएगा परिचय में, तो परिचय में पहला लाइन आप लिखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर फॉर मैन अकॉर्डिंग टू क्लाइड क्लूकोन, या क्लाइड क्लूकोन सेड दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर फॉर मैन, राइट। ये मिरर फॉर मैन बुक भी है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर ये है। तो जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, है ना, कि क्लाइड क्लूकोन ने विचार व्यक्त किया है कि मानव विज्ञान मानव का दर्पण है और यह मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है। आज के डेट में जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि एक भी लाइन अनावश्यक मत लिखिए, है ना, क्योंकि कहने के लिए आप ये सोचते हैं कि बीपीएससी में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, 25-25 नंबर, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि बीपीएससी एक ऐसा कमीशन है जो कह रहा है कि आप 3 घंटे में 6 क्वेश्चन का आंसर लिखिए, राइट। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। तो अगर कोई लिखना चाहता है और बहुत अच्छा स्पीड है उसका, तो 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 3000 शब्द लिख सकता है। तो एक क्वेश्चन जो है के लिए 500 शब्द, अगर जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है वो 400-450 शब्द भी लिख करके पास कर रहे हैं। एक भ्रम जो बीपीएससी के संदर्भ में है कि उसमें बहुत लिखना है, तो भाई बहुत लिखना है तो 3 घंटा में जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही आप लिखेंगे ना, और उसमें हमें 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर ब्रेक कर दीजिए क्वेश्चन को तो उस कई पार्ट में हो जाते हैं, ये यूपीएससी में भी है। तो अब जो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए हमारे पास शब्द कितना, 250 शब्द या 200 शब्द है, इसके लिए भी 250 शब्द, क्योंकि अगर पूरी बात हम करें तो हम इंट्रोडक्शन 20-25 शब्द में देते हैं, कंक्लूजन 20-25 शब्द में देते हैं, तो 50 शब्द तो ऐसे ही मान लीजिए निकल गया, तो बचा आपके पास 450 शब्द। तो ये ध्यान में रखना है कि कम शब्दों में कैसे लिखें, ध्यान ये रखना है कि अब वैसा चीज़ नहीं रह गया कि आप बहुत लंबे लंबे नोट्स तैयार कीजिए और फिर उसको आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बदल रहा। तो पहला काम क्या करना है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन देना है। अब हमको इस पे ध्यान देना है कि ये होलिस्टिक साइंस क्यों है, राइट, क्यों इसको होलिस्टिक साइंस कहते हैं। तो आगे वहीं पर 2-3 लाइन लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, और चेंज करने के बाद हमें बात करनी होती है कि एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट टोटल एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड और हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड रिलेटेड विद ईच अदर। यानी कि हमें इस बात को लिखना है कि मानव विज्ञान एक होलिस्टिक साइंस है, क्योंकि मानव विज्ञान एकमात्र विषय है जो मनुष्य के सभी पक्षों का समग्रता में अध्ययन करता है, या विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेटेड होते हैं उनके इंटीग्रेशन का अध्ययन करता है, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। जैसे अगर हम बात करें कि हम समग्रता में अध्ययन करते हैं, है ना, हम क्या अध्ययन करते हैं, होलिस्टिक स्टडी ऑफ माइंड, ध्यान ये रखना है कि हम मनुष्य का स्टडी करते हैं, होलिस्टिक स्टडी, राइट, समग्रता में मानव का अध्ययन,
राइट। एक मेरी हिंदी माध्यम में मैंने जो बुक निकाली है, उस बुक के का जो सब टाइटल है वो है समकता में मानव का अध्ययन। ठीक है, तो बेसिक बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजी समकता में ही मानव का अध्ययन करता है। तो समकता में जब मानव का अध्ययन करता है तो इस समग्रता का, इस होलिज्म का क्या मतलब है? तो एक तरफ सभी पक्ष, हम उस पर आएंगे, और दूसरी तरफ इनका समाकलन। देखिए हिंदी में हम ये शब्द यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन, अंग्रेजी में आप इंटीग्रेशन आप शब्द लिखेंगे, इंटीग्रेटेड लिखेंगे। यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है, और इसी कारण से एक समग्र साइंस कहलाता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या क्या, देखो एक तो आप इतनी ज़्यादा जो एस्पेक्ट है माइंड का, जितनी भी एस्पेक्ट है, आप यहाँ पर एक डायग्राम बना करके और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि समग्रता में मानव का अध्ययन। है ना, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं मानव विज्ञान फिर समग्रता में अध्ययन। तो समग्रता में अध्ययन जब आप कर रहे हैं तो एक तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर मैन के एस्पेक्ट की बात करेंगे कि मनुष्य का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम मनुष्य के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं कि एक तो फॉसिल रिमेन्स के माध्यम से जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजी है जो जिसका अध्ययन करता है, दूसरा प्राइमेटोलॉजी है, तीसरा पेलियोपैथोलॉजी, आजकल एंथ्रोपोलॉजी का एक नया सब ब्रांचेस डेवलप किया है बायोलॉजिकल का, जो हमारे एंसेस्टर हैं उन एंसेस्टर, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर का उद्विकास एप से हुआ है, तो कई ऐसे डिजीजेज जो हैं जो एप से मैन में भी आया उस समय, और उसका फाइंडिंग्स हमें बायो आर्कोलॉजी से भी मिलता है, तो हम उन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। फिर ह्यूमन जेनेटिक्स में आप आएंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप आएंगे, या फिर आप मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, रेशियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये जो सेक्शन है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, ये सब हम अध्ययन करते हैं। उसी तरह से जब सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की बात है तो हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन का अध्ययन करते हैं, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, हम लीगल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो सिंबल विभिन्न तरह के यूज हुए हैं भारतीय समाज और संस्कृति में, या वर्ल्ड पैमाने पर कल्चर में जो यूज होते हैं सिंबल, राइट, क्योंकि सिंबल का स्टडी करने के लिए सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ। तो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी सिंबल का अध्ययन करके, प्रतीकों का अध्ययन करके संस्कृति को समझने का प्रयास करता है। इसी तरह से डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी है जो कि जनसंख्या वगैरह का स्टडी करता है। इसी तरह से हम बात करें कि अब पहले ये माना जाता था कि एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से प्रिमिटिव पीपल का स्टडी है, अब एंथ्रोपोलॉजी ने अपनी चीज़ों को चेंज किया, अब मॉडर्न सोसाइटी का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जिसमें अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट है, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट है, एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ म्यूजिक। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल, इसी तरह से आर्कियोलॉजी आप बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी में प्री से लेके प्रेजेंट तक, है ना,
कल्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा, तो कल्चरल इवोल्यूशन का स्टडी हम प्रारंभ से लेकर अभी तक करते हैं, और उसी तरह से लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत लैंग्वेज का इवोल्यूशन, लैंग्वेज में चेंजेस और न्यू लैंग्वेज का फॉर्मेशन, लैंग्वेज किस तरह से कल्चर के साथ इंटीग्रेटेड है, तो एक जो पहला जो चीज़ है और किस तरह से वो आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहला जो पैराग्राफ आप लिखें इस समग्रता के अंतर्गत आप ये मतलब 25-30 ऐसे पॉइंट हो जाएंगे मानव के जो एस्पेक्ट हैं इम्पॉर्टेंट, उसको आप इसके अंतर्गत दिखा सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, सब में एक एक पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं, राइट। ये है एंथ्रोपोलॉजी, और फिर ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ने जाते हैं तो हम कल्चरल इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना था इसमें कि एंथ्रोपोलॉजी जो है होलिस्टिक साइंस है, राइट, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं उन विभिन्न एस्पेक्ट का अध्ययन करता है, उनकी अंतः संबंध का अध्ययन करता है, उनकी इंटीग्रेशन का अध्ययन करता है, और इसलिए इसके जो विषय वस्तु हैं उस विषय वस्तु के अंतर्गत कोई भी एस्पेक्ट मनुष्य का नहीं छूटता है। तो ये पहला आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब उसके बाद इसको आप इंटरप्रेट करेंगे, व्याख्या करेंगे। तीसरा जो चीज़ इसमें आप लिखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी जो मानव के ये जो एस्पेक्ट है जिसमें 20-25-30 आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले लोगों को मेरी बुक में ये एस्पेक्ट मिल भी जाती है, जो डिफरेंट सब ब्रांचेज है एंथ्रोपोलॉजी के, वो किसी एक एस्पेक्ट को डिटेल्स स्टडी करते हैं, राइट। तो आप केवल नाम गिनाएंगे और वहाँ डायग्राम बनाएंगे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चर्चा करना है कि एंथ्रोपोलॉजी जो मानव के उन एस्पेक्ट का स्टडी करता है तो बायोकल्चरल अप्रोच पर स्टडी करता है, ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण। देखिए, मार्क्स लाने के लिए ना आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिमांड क्वेश्चन का है, उसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिखेंगे इसमें कि एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है, यानी सारे विषय वस्तु का अध्ययन करता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, राइट। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी डज बायोकल्चरल स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब देखो, बायोकल्चरल स्टडी को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, एग्जांपल दे करके, कि एक तो बायोकल्चरल स्टडी आप यहाँ से एग्जांपल दे सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो आप पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, मानव उद्विकास, तो ये हम लोग जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और ये आप देखोगे कि हमारे सिलेबस में भी इंडिकेशन है जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, है ना। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड है, यानी कि मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट मनुष्य के एस्पेक्ट हैं, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट है। यहाँ उद्विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उद्विकास में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हो रहा, कल्चरल इवोल्यूशन भी हो रहा। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बायोलॉजिकल और कल्चरल जो इवोल्यूशन के प्रोसेस हैं उससे इवोल्यूशन के प्रोसेस को इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करने का प्रयास करता है। मींस कि हम फॉसिल्स रिमेन्स से ही इवोल्यूशन का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हमारे पास है उससे भी इंटरप्रिटेशन करते हैं,
और इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो दोनों जो आस्पेक्ट है एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। केवल मैं इसमें ही बात नहीं कर रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए होल जब पढ़ता है, मतलब मनुष्य का स्टडी करता है, तो जैसे हम बात करें कि ह्यूमन जेनेटिक्स, राइट, तो ह्यूमन जेनेटिक्स बायोलॉजी में भी पढ़ाई जाती है और एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बायोकल्चरल अप्रोच पर पढ़ते हैं, या मान लो कि अभी कोविड है ना, कोविड के टाइम में आपने देखा कि इसका जो स्प्रेड है अलग अलग देशों में, अलग अलग भौगोलिक परिवेशों में, अलग अलग पर्यावरणीय परिवेशों में, अलग अलग पारिस्थितिकी में इसकी स्प्रेड अलग अलग है, और अलग अलग पॉपुलेशन पर इसका इम्पैक्ट भी अलग अलग है, राइट। अब इसको हमें पढ़ना है तो हम यहाँ बायोकल्चर, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल अप्रोच भी फॉलो करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जो अगर कहीं पर्टिकुलर टाइप का कल्चर डेवलप हुआ है तो हम उस कल्चर का एनालिसिस या उस पीपल के सभी चीज़ों का एनालिसिस बायोलॉजिकल अप्रोच पर तो करते ही हैं, कल्चर बायोकल्चर तो करते हैं, इकोलॉजिकल भी उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं कि पर्टिकुलर इकोलॉजी में पर्टिकुलर टाइप का संसाधन उसे मिला और उसके साथ वो उस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसके माध्यम से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया और इस तरह के वे ऑफ लाइफ डेवलप किया और इस तरह के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें डेवलप हुआ, राइट। तो इसका मतलब है कि ये सारे एस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आप मैरिज का स्टडी करें, मैरिज पैटर्न का स्टडी करें, फैमिली पैटर्न का स्टडी करें, तो अब भी एंथ्रोपोलॉजी जो ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी था वो किसका स्टडी करता था, ट्राइबल का स्टडी करता था। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी का स्टडी कर रहा। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है और जो हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा, हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी प्रभावित कर रहा, न्यूट्रिशन को तो डायरेक्टली प्रभावित कर रहा, और उससे हमारी बायो कल्चर जो आस्पेक्ट है वो हमारा उससे प्रभावित हो रहा। तो यहाँ भी आप, मतलब मेरा कहना है, आप एक दो एग्जांपल लिखिएगा जो जैसा कि मैंने आपको बताया, और फिर आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत न केवल हम इसको फॉलो करते हैं बल्कि हम बायो कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। यानी हम टोटल पढ़ते हैं, होलिस्टिक पढ़ते हैं, तो होलिस्टिक पढ़ने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें करनी होती है, दैट इज होलिस्टिक साइंस। अब दूसरे विषय को अगर आप देखोगे तो दूसरे विषय में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एंथ्रोपोलॉजी में, दूसरे विषय में इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर, मतलब चौथा आप दे सकते हैं कि देखो एंथ्रोपोलॉजी का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट है, बहुत ही दीर्घकालिक है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम प्री हिस्टोरिक पीपल को ही, न केवल प्री हिस्टोरिक बल्कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत प्राइमेट इवोल्यूशन को भी पढ़ते हैं, और प्राइमेट इवोल्यूशन की प्रक्रिया 65 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ से शुरू करके प्रेजेंट टाइम में जो मनुष्य है इसके टोटल एस्पेक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके टोटल एस्पेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो इसका टाइम फ्रेमवर्क है, इसका ज्योग्राफिकल जो फ्रेमवर्क है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में क्यों होलिस्टिक स्टडी है, तो इसके अंतर्गत सभी समय के, सभी काल के और सभी क्षेत्र के मानों को शामिल हम कर रहे हैं, और इसलिए होलिस्टिक है। अगला अगर बात करोगे कि ये इस कारण से भी होलिस्टिक है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संरचनाओं का हम स्टडी कर रहे हैं, सभी प्रकार के पॉलिटिकल संरचनाओं का स्टडी कर रहे हैं, सभी प्रकार के इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं, सभी प्रकार के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसका स्टडी कर रहे हैं, इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, यानी कोई भी पार्ट्स यहाँ से बच नहीं रहा, राइट।
जैसे इसमें हम एक तो जो हंटर फुट गैदर है, मतलब एक तो प्रीहिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक पर है, दूसरा जो प्रेजेंट जो सोसाइटी है तो उसमें हम हंटर फुट गैदर बैंड सोसाइटी का भी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमें शिफ्टिंग कल्टीवेटर का भी स्टडी कर रहे हैं, हम पास्टोरलिस्ट का भी स्टडी कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चरिस्ट का भी स्टडी कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल वर्कर का स्टडी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी में जो बिजनेस की प्रक्रिया है उसका स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि आज के डेट में जैसे डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ रहा, राइट, यानी कि जो डिजिटल मीडिया आपका इम्पैक्ट डाल रहा आपके जीवन पर, इसका भी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर बात करते हैं कि देयरफॉर इट इज कॉल्ड होलिस्टिक साइंस। तो कुल मिला के आप इतनी चीज़ों को लिखेंगे तो 250 शब्दों में आप इसको कंक्लूड कर लें। जिन लोगों का राइटिंग में स्पीड कम होगा आप कोशिश कीजिए कम लिखने का, और डायग्राम या फ्लोचार्ट के माध्यम से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, उसे दूसरी एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, है ना, क्योंकि ये जो आज के टॉपिक का डिस्कशन का उद्देश्य किसी टॉपिक के विशेष को बताना नहीं था, हम में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप पे अगर एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। और कुछ ऐसे सिलेबस जो बीपीएससी का यूपीएससी के साथ इंटीग्रेट हो रहा जो बेसिक चीज़ है उसको समग्रता में जानना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें मानव विज्ञान का जीव विज्ञान से संबंध, राइट, यानी ध्यान में रखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है इसमें हमें मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान लाइफ साइंस में संबंध पढ़ना लिखना है संबंध। देखो ये यूपीएससी के सिलेबस में है और इसलिए यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं या जो हम लोग के गाइडेंस में जो स्टूडेंट हैं उन लोग को चूँकि पढ़ाते हैं तो उन्हें पहले से जानकारी होती है, लेकिन बीपीएससी जो लोग देते हैं और केवल उसी सिलेबस पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं संभवतः उनको इसकी तैयारी पहले से नहीं किए होंगे और इसलिए क्वेश्चन बहुत स्तरीय नहीं लिखे होंगे। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन का पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन अगर आप लिखने जाओगे कि परिचय, देखो दोनों अलग अलग पार्ट है तो परिचय जब लिखने जाओगे तो थोड़ा सा उसमें इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन है ये मान के आपको चलना है। तो पहला है कि अगर इसका इंट्रोडक्शन आप लिखिएगा तो सीधे एक लाइन में लिखिएगा कि यह समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, राइट, समग्रता में मानव का अध्ययन करता है। बस आपको ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं लिखनी है, ध्यान ही रखना है कि हमें कंटेंट पर बात करनी है, जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करनी है। तो पहला चीज़ कि समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, इस पर हमें बात करनी है, और जीव विज्ञान को भी डिफाइन करना है ना कि जीव विज्ञान जीवों एवं उसके जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सिंपल कि लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनिक प्रोसेस। और उसके बाद आप लिखिए कि बोथ डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स आर डीपली इंटररिलेटेड विद ईच अदर, यानी कि हम एक तरफ से मानव विज्ञान को एक लाइन में परिभाषित कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जीव विज्ञान को एक लाइन दो लाइन में परिभाषित कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दोनों आपस में अंतः संबंधित है, जो कि क्वेश्चन का कोर डिमांड है। तो फिर यहाँ से आप अंतः संबंध की बात करेंगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ
क्योंकि आंसर राइटिंग एक कला है, एक आर्ट है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास ज्ञान है बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा आंसर ही लिख लेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर आंसर राइटिंग आप ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में करेंगे जो कि इस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है, तो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता है, राइट। प्रैक्टिस से आपका इम्प्रूव होगा, लेकिन मॉडल तो आपको एक स्ट्रक्चर अगर सही मिल जाएगा तो आप लिख लेंगे। तो अंतः संबंध की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें एक तो पार्ट होता है कि समानता की, यानी कोई दो विषय अगर आपस में इंटीग्रेटेड है तो समानता की बात कुछ होगी, कुछ सब्जेक्ट मैटर उसके जुड़ेंगे आपस में और जिसके कारण वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होगा। और लेकिन अंतर संबंध का जो मेजर पार्ट होता है वो अंतर है ना, ये मेजर, इस पर आपको फोकस करना है, अंतर पर फोकस करना है। दैट इज ए मेजर पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो अंतर पर जब फोकस करेंगे है ना, तो हमें थोड़ी सी देखना है कि समानता किस चीज़ में हम दिखा सकते हैं और क्यों समानता अगर है तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि विषय वस्तु, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, के इसके सब्जेक्ट मैटर में इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन देयर सब्जेक्ट मैटर, क्या दोनों में कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जो समान रूप से पढ़े जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मेथड्स, जो अध्ययन की पद्धति है। देखो किसी विषय में अगर आप रिलेशनशिप देखने जाओगे तो रिलेशनशिप में दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है आपकी कि दोनों की मेथड क्या है स्टडी का, क्या दोनों सिमिलर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं या एक के दूसरे के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा जो है कि एक दूसरे को कितने प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस कितना करते हैं, क्या एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी जो है वो लाइफ साइंस को इन्फ्लुएंस कर रहा या लाइफ साइंस का स्टडी जो है एंथ्रोपोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहा। इसी पॉइंट्स पर आपको एक दो पॉइंट चाहिए। और चौथा जो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं है ना, कि इन दोनों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का एप्लीकेशन क्या करते हैं। ये टोटल चार पॉइंट आपके समानता के पहलू में आ जाएंगे है ना, विषय वस्तु क्या है, मेथड क्या है, प्रभावित क्या है और एप्लीकेशन भी। अब देखो मैंने क्या बोला कि आप 250 शब्दों में इसको लिखेंगे तो विषय वस्तु आमतौर पर एक भ्रम होती है स्टूडेंट के संदर्भ में और कहते हैं कि सर इसमें बायोलॉजी कितना है, कई लोगों का ये सवाल होता है। और कई लोगों का ये सवाल होता है कि बायोलॉजी का ज्ञान है तो इसमें हम कंफर्टेबल रहेंगे, राइट। इसका मतलब है कि कुछ दोनों में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं तो जो रिलेशनशिप है उसके विषय वस्तु पर आप जाओगे तो दो सब्जेक्ट मैटर दोनों में कॉमन है, एक तो ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बायोलॉजिकल वेरिएशन है ना, मनुष्य का उद्विकास और मनुष्य की जैविक विभिन्नता, ये सब्जेक्ट दोनों में है, राइट। जैसे हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो लाइफ साइंस के लोग पेलियो जूलॉजी और पेलियो बॉटनी पढ़ते हैं, राइट। प्राइमेटोलॉजी दोनों में हम लोग पढ़ते हैं, पेलियो पैथोलॉजी दोनों में पढ़ा जाता है। तो एक तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, राइट,
जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, उस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत दोनों में कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैटर है जिसकी चर्चा आप यहाँ कर सकते हो। दूसरा जो है मेथड, है ना। तो देखो, ये जो मनुष्य का जो इवोल्यूशन है इसका स्टडी दोनों करता है, तो इसमें आपको फील्ड वर्क जो है, देखो फील्ड वर्क भी अलग अलग है। हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो फील्ड वर्क करते हैं और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस होता है। यहाँ फील्ड वर्क का मतलब हम कह रहे हैं कि जब वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो या लाइफ साइंटिस्ट, वो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए फॉसिल्स रिमेंस की खोज करने जा रहा, तो फील्ड में जाके वो वर्क कर रहा, वहाँ पर एक्सकेवेशन कर रहा, और एक्सकेवेशन से जो फाइंडिंग्स मिल रहा उसका फिर इंटरप्रिटेशन करके और फिर वो इवोल्यूशन को समझने का प्रयास कर रहा, या कंपरेटिव स्टडी भी कर रहा, यानी कंपरेटिव जियोलॉजी, कंपरेटिव जूलॉजी, कंपरेटिव बॉटनी, है ना, या कंपरेटिव स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पीरियड वो कर रहा है। और फिर अब हाल के वर्षों में, चूँकि हाल के वर्षों में जो एंथ्रोपोलॉजी है और लाइफ साइंस भी है, ये एडवांस स्टेज में जा रहा, जहाँ मैंने पेलियो एंथ्रोपोलॉजी की बात की कि उस फॉसिल्स रिमेन्स के जीन डीएनए का स्टडी भी किया जा रहा, और अब डीएनए डेटिंग वगैरह का भी डेवलपमेंट कर लिया गया है, तो इस स्टेज पे आके लेबोरेटरी मेथड का भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जो है दोनों लगभग सिमिलर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेरिएशन के लिए भी क्या कर रहे हैं कि जो प्रयोगशाला विधि है, इस प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं। जैसे आप ह्यूमन जेनेटिक्स का स्टडी करोगे, डीएनए एनालिसिस करोगे, तो लेबोरेटरी में ही करोगे डीएनए एनालिसिस, और इसमें दोनों ही में कुछ समानता है, राइट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा कि प्रभावित कितने किए एक दूसरे को, यानी कि लाइफ साइंस ने एंथ्रोपोलॉजी को कितना प्रभावित किया, ठीक है। अब जब एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट को आप देखोगे, ठीक है, तो डेवलपमेंट को देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी में नए नए जो सब ब्रांचेज आ रहे हैं, है ना, जैसे मोलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है, आणविक मानव विज्ञान, है ना, एक बार यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, यूपीएससी के सिलेबस में यह सब थोड़ा है भी इंडिकेशन। तो जैसे जैसे लाइफ साइंस में एडवांसमेंट हो रहा, राइट, वो एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी यानी ह्यूमन इवोल्यूशन या ह्यूमन बायोलॉजिकल जो वेरिएशन है उसके स्टडी को प्रभावित कर रहा, ठीक है। तो इकोलॉजी आप देखोगे, इकोलॉजी जो है दोनों में पढ़ा जाता है, लाइफ साइंस में भी इकोलॉजी का स्टडी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी स्टडी है। तो ये लाइफ साइंस के जो लोग हैं जो स्टडी करते हैं उसका इस्तेमाल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी करता है, और एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टडी है वो लाइफ साइंस को भी ये प्रभावित कर रहा, क्योंकि लाइफ साइंस में एक नया चीज़ आप ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं सोशल बायोलॉजी, राइट, ये एंथ्रोपोलॉजी के इम्पैक्ट को दिखा रहा। और इसलिए वन साइडेड मतलब प्रभाव नहीं है, जैसे हम आगे बात करेंगे अंतर में, हालांकि कुछ जो है मेथड समान है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का जो फील्डवर्क मेथड है वो स्पेशलाइज है एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो अब जो सोशल बायोलॉजिस्ट हैं, ये फील्डवर्क मेथड का इस्तेमाल जो है लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को मतलब के इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, या कई प्रकार के जो रोग हैं, है ना, उस रोग को एक तो प्रोटेक्शन में, जैसे कोविड में ही हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये डॉक्टर भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, है ना, लाइफ साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों इंटीग्रेट कर रहा। और एप्लीकेशन में आप देखोगे कि लाइफ साइंस का जो ज्ञान है और जो एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान है, दोनों का इस्तेमाल जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कर रहे हैं, बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ
वर्ल्ड। तो एक तो ये आप चार पॉइंट पर आप बात करेंगे, एक एक दो दो तीन तीन आप रेफरेंस देंगे और फिर टू द पॉइंट लिखेंगे। ध्यान ये रखना कि टू द पॉइंट लिखेंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो मेजर पार्ट है ये है डिफरेंसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने मानव विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच समानताओं को देखा, लेकिन रिलेशनशिप के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अंतर पर हमें फोकस करनी होती है। यानी जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो जो डिफरेंसेस का पॉइंट है, जो अंतर का पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंतर को लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो दो भाग में बांट दीजिए, और यहाँ पर मानव विज्ञान के संदर्भ में आप लिखिए एक पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है, यानी होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। तो एक पॉइंट तो ये है। और अगर आप जीव विज्ञान के संदर्भ में देखेंगे तो जीव विज्ञान जीवों एवं उसकी जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यानी एक तरफ जहाँ पर मानव विज्ञान के अंतर्गत आप मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करते हैं, होलिस्टिक स्टडी करते हैं मैन का, वहीं जीव विज्ञान में हम जीव एवं उसकी जैविक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो पहला अंतर तो यहाँ पर है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अंतर है कि मानव विज्ञान में हमें बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करते हैं, राइट? बायोकल्चरल अप्रोच यानी कि मानव विज्ञान के अंतर्गत जब हम मनुष्य के जैविक उद्विकास का अध्ययन करते हैं या जैविक विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान के अंतर्गत जब ह्यूमन बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो ह्यूमन बायोलॉजी के अंतर्गत भी हम मनुष्य के जैविक उद्विकास एवं जैविक विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो मानव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के जैविक उद्विकास एवं जैविक विभिन्नता का अध्ययन करने के संदर्भ में हम बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में ये केवल बायोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, राइट? यानी वो मनुष्य का अध्ययन एक जैविक प्राणी के रूप में करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो, और मानव विज्ञान में हम मनुष्य का अध्ययन एक सामाजिक सांस्कृतिक या जैव सांस्कृतिक प्राणी के रूप में करते हैं। तो ये दूसरा बहुत ही मतलब माइनर डिफरेंसेस है, बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है। और तीसरा की बात करें तो मानव विज्ञान में संस्कृति जो है ये केंद्रीय अवधारणा, मतलब ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और मानव विज्ञान संस्कृति के अध्ययन में विशेष रुचि रखता है। यानी मानव विज्ञान के अंतर्गत हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसके डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, उसके धर्म प्रथा परंपरा रीति रिवाज, उसके मनोविज्ञान, इन सारे पक्षों का जिसकी चर्चा हमने पहले की है, उन सारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान जो है ये संस्कृति का अध्ययन नहीं करता। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है कि जीव विज्ञान मनुष्य के संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि जीव विज्ञान मनुष्य का अध्ययन एक जैविक प्राणी के रूप में करता है। चौथा अगर आप बात करेंगे तो मानव विज्ञान क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी एक सोशल साइंस है, और ये जो है एक नेचुरल साइंस है, एक प्राकृतिक विज्ञान है। यानी कि दोनों के अध्ययन का जो पद्धति होगा उसमें मूलभूत अंतर होंगे।
हालांकि समानता में हमने बातें की थी कि कुछ समानताएं दोनों में है, तो अध्ययन पद्धति में भी समानता है, लेकिन मूल जो अध्ययन पद्धति है, जो फंडामेंटल स्टडीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड्स है या मेथडोलॉजी है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम फील्डवर्क मेथड का यूज़ करते हैं और इसमें भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट, इसका मतलब होता है सहभागी अवलोकन। और यहाँ पर हम प्रयोगात्मक विधि का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। देखिए, ये जो है, मैंने समानता में भी बातें की थी, कुछ समान है, लेकिन जहाँ तक के मूल मतलब मेथड है, तो इसका जो है लेबोरेटरी मेथड है और इसका मेथड जो है पार्टिसिपेंट है, सहभागी अवलोकन है, जहाँ पर दोनों विषय क्वाइट डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों विषयों का जो अध्ययन का पत्ती है, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा समाज से कलेक्ट करते हैं, यहाँ डेटा जो है ये जो आपका जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, राइट, और मानव विज्ञान में क्या है कि यहाँ सब्जेक्टिविटी भी है और प्लस ऑब्जेक्टिविटी भी है, यानी कि यहाँ विषयनिष्ठता है और प्लस वस्तुनिष्ठता है, दोनों है। और ये अध्ययन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, और जब हम साइंस, खास करके नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, लाइफ साइंस जैसे नेचुरल साइंस को, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस की अपेक्षा अधिक होती है, इस कारण से भी दोनों में काफ़ी अंतर है। और लास्टली जो एप्लीकेशन का पहलू है, यानी कि अप्लाइड जो नेचर है, तो मानव विज्ञान के जो ज्ञान हैं, जो तथ्य हैं और जो भी आंकड़े हम प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य के जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण में उपयोगी होता है। जबकि जीव विज्ञान का जो डेटा है, जो नॉलेज है, ये मुख्य रूप से हमारी जैविक समस्याओं के निराकरण में उपयोगी होता है। तो ये 6-7 पॉइंट आप दे करके और आप डिफरेंसेस को दिखाएंगे। डिफरेंसेस को दिखाने के बाद आप कहेंगे कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों में मूलभूत अंतर है और दोनों के इस अंतर को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलग अलग स्ट्रीम के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अंत में निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे के दोनों में मूलभूत अंतर होने के बावजूद दोनों अंतः संबंधित विषय है, और यही कारण है कि हाल के वर्षों में मानव शास्त्री और जीव वैज्ञानिक दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं ताकि मनुष्य के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने आंकड़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने पद्धतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इसी कारण से मानव विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों एक दूसरे से अंतर्संबंधित है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।